एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए स्टेनोग्राफर का या फिर नहीं, किन बच्चों को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, किसकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, ठीक है। आप लोग, मैं देख रही हूँ, देख लेते हो वीडियो अपने काम की होती है तो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। एंड अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे को बंद करना पड़ेगा वीडियो बनाना स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप बाकी चैनल्स को तो बहुत सपोर्ट करते हो, यहाँ पे बात आती है, जबकि जेन्युइन कंटेंट, डेली कंटेंट आपको यहीं मिल रहा है। लोग एक एक हफ्ते में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, महीने में एक बार आप लोगों के लिए बस कंटेंट डाल दिया, वो भी छोटा मोटा सा, तो उनके लिए तो आपके पास बहुत है देने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको डेली कंटेंट मिल रहा है, डेली फ्री टाइम टेबल मिल रहा है, सीजल वालों को, स्टेनो वालों के लिए भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, स्टिल आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इसमें क्या मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक ना एक दिन मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगी, फिर मैं भी आप लोगों के लिए नहीं बना पाऊंगी वीडियो, फिर आप देखना कहीं और, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो जो क्लिकबेट खेलते हैं कि देखो रिजल्ट का, कहते हैं ये कुछ भी डाल देते हैं बकवास सी चीज, और कॉमेंट्स ऑफ रहते हैं या कॉमेंट्स पर ध्यान भी नहीं देते हैं, आप उनकी वीडियोज बहुत जल्दी देख लेते हो, बट जब यहाँ की बारी आती है तो आप लोगों के पास अपशब्द बोलने के लिए भी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो ये सुनूंगी नहीं मैं 1% भी, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों की हेट्रेड लेने नहीं आ तक नहीं आई हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं करिए, नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्या ही कर सकते हैं आप लोगों का। स्किल टेस्ट की बात करते हैं, स्किल टेस्ट के लिए अभी जो कट ऑफ आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड में आपको कट ऑफ पे ले चलूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से चीजें जो है यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड बस, हम लोग कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप लोगों की जो कट ऑफ रही है ये सी के लिए रही है, ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये नहीं है, ये नहीं है, ये आप लोगों की सी की कट ऑफ है, ठीक है, और ये आप लोगों की डी की कट ऑफ है, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रेड सी और ये आप लोगों की ग्रेड डी, पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार कट ऑफ जो है। एससी की कट ऑफ गई है 114, ठीक है। उसके अलावा अगर एससी की गई है 105, ओबीसी की 129, ईडब्ल्यूएस एंड यूआर की सेम गई है, और अपनी अपनी कैटेगरी जो है हॉरिजॉन्टल वाले वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रिडिक्ट करी थी वो छोड़ो, अभी वो पहले ही बता दिया कि सही बैठी है। अब हम बात करेंगे डी के बारे में, तो डी में जो यूआर की कट ऑफ गई है वो गई है 108, मात्र 108 ही बोलूंगी मैं इसे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की गई है 90, ओबीसी की गई है 96, एससी की गई है 76 और एसटी की गई है 63, जो कि काफी लो कट ऑफ इन लोगों ने रखी है इस बार, ठीक है। इस बार जो बच्चे सेलेक्ट करे गए हैं जो इस बार स्किल टेस्ट देंगे वो डी के लिए 47,246 है, और अगर हम सी के लिए देखें तो 13,100 है, ठीक है। टोटल मिला के अच्छे खासे 60,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे इन लोगों ने सेलेक्ट करे हैं जो इस बार स्किल देंगे। इसका रेशियो पहले से काफी हाई है, अगर आप 2019 में देखोगे, 2020 में देखोगे, ठीक है, तो काफी उनका जो मैच है ना इनसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वैकेंसीज कितनी है। अंदाजा सबको ही लगा रहे हैं, देखा जाए तो अंदाजा सबको ही मार रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज हो सकती है, इतनी वैकेंसीज हो सकती है। मेरे अंदाजे से 3 से 3,500 वैकेंसीज इस बार आप लोगों की आएगी 22 में, एंड सेम आप लोगों की आएगी 23 में, ठीक है। मेरे हिसाब से जो एसएससी ने आप लोगों को वैकेंसीज का रेशियो रखा है ना, वो अभी जो सी के लिए रखा गया है वो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की जो वैकेंसीज है वो 700 से 900 के बीच बैठेगी ही बैठेगी, ठीक है, जो सी के लिए बोल रही हूँ। और जो डी के लिए वैकेंसीज बैठेंगी वो कम से कम आप लोगों की जो है 3,000 बैठ रही है यहाँ पे, वैकेंसीज जो है, मैं डी की बात कर रही हूँ, तभी उन लोगों ने इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट कराए कि ये आए और स्किल टेस्ट देकर जाए। अब पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर बनता है कि किसका सिलेक्शन फाइनल में होने के चांसेस है, किसके नहीं। अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग हर चीज लेकर चलूंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड फाइनल क्या रह सकती है, लेकिन अभी आपको उसको सोचने के बजाय ये सोचना है कि आपको स्किल टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि स्किल टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए। और जो ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी स्पीड 60 है 70 है तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो बिल्कुल जाऊं। मैं उन बच्चों को बिल्कुल कहते हैं प्रेरित नहीं करूंगी कि आपको बिल्कुल भी स्टेनो नहीं आती। मेरे को इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको स्टेनो नहीं आती होगी, बहुत बच्चे होंगे यहाँ पे। 47,000 जो ग्रेड डी में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से मेरे हिसाब से 10,000 से 12,000 बच्चों को स्टेनो नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो लोग अगर जाएंगे तो कुछ गेन तो नहीं करके आएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप में से कोई बुक कर रहा है, जैसे पिटमैन की बुक कर रहे हो आप, ठीक है, या आप लोग जो हो अभी पिटमैन की बुक कंप्लीट हुई है, या आप लोगों की हिंदी की कोई बुक कंप्लीट हुई है, राइट, तो आप लोग अगर स्टेनो का स्किल देकर आओगे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपीरियंस लेकर आओगे कि कैसे बैठते हैं, कैसे कितनी बार डेमो दिया जाता है, कितनी बार स्टॉपेज होता है, उनकी वॉइस कैसी है, क्या होता है वहां पे जाके, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपना ज्ञान भी देने आएंगे कि ये हर किसी को बोल रही है, एक्साइट कर रही है कि
ये अपना अपना स्किल देकर आए। तो हाँ मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, आप लोगों को जो बोलना है कमेंट सेक्शन खुला है, अपना ज्ञान बिल्कुल यहाँ पे झाड़ के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूँ कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिनको पिटमैन आती है, जो स्टेनो में इंटरेस्टेड है अगले साल के लिए, वो स्किल टेस्ट जरूर देकर आए, सो दैट आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो कि आप लोगों का स्किल टेस्ट होता कैसे है। अगली बार आपको फोबिया ना हो कि स्किल टेस्ट देते कैसे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके मार्क्स कितने हैं, आप स्किल टेस्ट देकर आओगे। अगर आप स्किल टेस्ट देकर नहीं आते हो और फिर मुझे बोलते हो कि मैं पहले भी 22 में सेलेक्ट था, फिर 23 में पहली बार दे रहा हूं, तो मैं आप लोगों के डाउट्स को कभी एंटरटेन नहीं करूंगी, ये मेरी साइड से है। क्यों? इसका भी रीजन सुनो। क्योंकि जब आप एक टीचर की बात ही नहीं मान रहे हो या आप एक मेंटोर की बात ही नहीं मान रहे हो, तो आप लोगों के दिमाग में डालने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं पहले से एक चीज बोलते हुए आई हूं कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। और अगर आप लोगों को यहां तक, आप इस वीडियो तक आए हो, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ज्यादा बच्चों को देने से कट ऑफ आई चली जाएगी, तो भैया आपको ये नहीं पता कि अगर वो बच्चा सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है, वो लिख ही नहीं पाएगा, तो वो आपको क्या ही एक वो दे रहा है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन सिर्फ उन्हीं का है जिनकी स्पीड अभी से 90, 100, 110, 120 है, उससे कम में किसी का कॉम्पिटिशन है ही नहीं किसी के साथ यहाँ पे। अगर आप अनसीन पे 190 से कम लिख रहे हो, तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है आपका यहाँ पे। अनसीन आएगी वहां पे, 90 से ऊपर आती है अनसीन लिखनी, तो डेफिनेटली आप रेस में हो। अगर आपको नहीं आती है लिखनी, तो आप रेस से वैसे भी आउट हो, तो वहां पे आपका वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ लेगा, सिंपल सी चीज है। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप उन 47,000 और इन 13,000 बच्चों में आ रहे हो, तो आप लोग स्किल टेस्ट देने जरूर जाओगे। अगर आपको बिल्कुल स्टेनो नहीं आती, आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, डीडी के बच्चे हो, तो मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, कुछ गेन करके नहीं आओगे। लेकिन अगर आप एक स्टेनो स्पेसिफिक बच्चे हो, अगर आप हो, तो आप लोग स्किल टेस्ट देकर जरूर जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके मार्क्स कितने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको स्किल कितना आता है, सो दैट 23 के लिए आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए। देखो जैसे 22 में इतनी सारी वैकेंसीज है, 23 में भी अच्छी वैकेंसीज आएंगी, 22 से बहुत सारे बच्चे फिल कर लेंगे वैकेंसीज को, तो 23 में वो कंपटीशन कम हो जाएगा ग्रेड डी के लिए, बिकॉज वो ग्रेड सी के लिए फिर जाएंगे। जैसे 20 में जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हो चुका है, अब वो ग्रेड डी का थोड़ी ना देंगे स्किल टेस्ट, अब वो देंगे ग्रेड सी का, डी में बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रेड डी में वो ऑलरेडी है, तो ग्रेड डी का वो करेंगे क्या, ठीक है, ग्रेड सी लेंगे अब सीधा वो, तो वो ग्रेड सी के लिए हाई कॉम्पिटिशन बनाएंगे, ठीक है। 13,100 बच्चों में जो कम से कम, मैं बता रही हूँ, कम से कम 5 से 7 हजार बच्चे वो है जो ऑलरेडी अपियर होते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी, और वो है जिनका ग्रेड डी में हो चुका है, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, उन्हें बस सी चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रेड डी वाले बच्चे हैं, उनको तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको तो किसी हालत में, मान लो कट ऑफ गई है यूआर की, एक सेकेंड आपको मैं दिखा देती हूँ, 108 गई है कट ऑफ, आपके नंबर है 110 मान लेते हैं जनरल कैटेगरी से, तो भी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी स्किल का आइडिया है, आप स्किल टेस्ट देने जाओगे किसी भी हालत में। मुझे नहीं पता ये कोई टीचर आपको समझाएगा नहीं समझाएगा, मैं आपको समझा रही हूं, और इसके पीछे बहुत वैलिड रीजन है एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को पता चल गया वहां पे कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए 23 का स्किल मक्खन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से नहीं करके जाओगे, आपके लिए पहला रहेगा, तो आपको घबराहट रहेगी और उसमें आपका स्पॉइल भी हो सकता है। तो आप लोगों को कोई कुछ भी बोले कि वीक चांसेस है, लेकिन देकर आओ। मेरे से जितने भी बच्चों ने टेलीग्राम पे बात करी है, मेल पे बात करी है, मैंने हमेशा बोला है कि अगर मान लो मेरे पास कल एक बच्ची आई थी, उन्होंने बोला कि मैम मेरे मार्क्स 112 है यूआर से, और ज़रा सा 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, तो मैंने बोला 115 117 तक हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला, बहुत कम चांसेस है। लेकिन लेकिन आप स्किल देकर आओ, बिकॉज उनके नंबर जो है ट्राई, वो हमारी पेड स्टूडेंट है, तो मैंने उनको यही बोला कि हम आपके नंबर का पूरा ट्राई करेंगे कि 150 से ऊपर जाए, और अगली बार आप सीधा सी में लो, या डी तो पक्का ही हो जाए आपका, ठीक है। तो अगर आप अभी स्किल देकर आओगी, तो आप घबराहट जो है आपके अंदर की स्किल होती क्या चीज है, स्किल में बैठा कैसे जाता है, तो वो अंदर से हट जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके अंदर जो वो झिझक है स्किल को लेके वो हट जाए। इसीलिए ये जो कट ऑफ मार्क्स दिखाए जा रहे हैं, अगर आपके इससे पॉइंट भी ज्यादा है, पॉइंट भी बोल रही हूँ, एनी कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हॉरिजॉन्टल, तो आप लोग स्किल टेस्ट देकर जरूर आए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोग वहां जाकर एडजस्ट होकर आओ कि अच्छा ऐसे स्किल होता है, अगली बार मुझे ये गलतियां नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, और ये चीज इंप्रूव करनी है वहां जाके। बिकॉज अगर आपने इस बार जो है सिलेक्शन लिया है सिर्फ डी में, तो अगली बार अगर आप पढ़ोगे तो आप डी और सी दोनों में लोगे, और जिनका सी और डी दोनों में होता है उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनको डी मिल जाता है, और जिनके सी में जितने भी नंबर है उनसे 20-25 नंबर ऊपर होते हैं, तो उनको सी में मिल जाता है, ये सच है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जितनी वैकेंसी ज्यादा होंगी उससे थोड़ी थोड़ी कट ऑफ जो है वो कम होती चाहिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। लेकिन किस बच्चे को स्किल देना चाहिए, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें स्किल देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 47,200 46 बच्चे 47,000 सॉरी
तो अगर इसमें से हम हटा दे उन 10,000 15,000 बच्चों को या 17,000 बच्चों को भी हटा दे, तो कम से कम यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ जो 27,000 मतलब 30,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे बचेंगे जिन्हें थोड़ा बहुत भी स्किल का आइडिया है। और मैं चाहूंगी कि वो सारे बच्चे स्किल देकर आए सो दैट उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए। सीट वेस्ट होगी नहीं क्योंकि जैसे स्किल आती है वही स्किल करके आएगा, सिंपल सी चीज़ है। एंड टॉकिंग अबाउट कि क्या स्किल टेस्ट टफ आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा 1920 का आ रहा है वैसा ही आएगा, ईजी ही आएगा स्किल, ठीक है। तो अपनी तैयारी बेहतर रखें, 90 अनसीन पे करके चले, 100 अनसीन पे करके चले ग्रेड डी के लिए, एंड 120 पे अनसीन करके चले ग्रेड सी के लिए, ठीक है। टाइपिंग वगैरह मजबूत कर ले, सब कुछ वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, बार बार बनाने का मेरा मन नहीं है, ठीक है। चैनल पर थोड़ा ढूंढना भी करो कंटेंट, सब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, एंड कट ऑफ वीडियो एक दो दिन में आ जाएगी। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोग पेड गाइडेंस लेना चाहते हो जिसके अंदर मैं डेली टाइम टेबल आप लोगों को स्ट्रैटेजी वगैरह दे रही हूँ, तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। आप लोग मुझे मैसेज कहाँ कर सकते हो, मैं आप लोगों को पहले फी बता देती हूँ, 250 रुपीज फॉर 4 मंथ्स। कल लास्ट डेट एडमिशन्स लेने की, मैंने वैसे नो एडमिशन्स 10 पे लिख दिए थे, बट इसे हम 12 कर देंगे, ठीक है। 12th इसलिए कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी न्यू आए हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे मैसेज वैसेज कहाँ करना है, आप लोग अगर इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप लोग अपनी परीक्षा 9@gmail.com पे कर सकते हो, या Disha1400 टेलीग्राम पे कर सकते हो। मैं पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। और कोई भी बच्चा बार बार ये नहीं पूछेगा कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आई थिंक आपको सुनाई देता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पेड डेली टाइम टेबल दिया जाएगा, मॉक शेड्यूल दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, स्ट्रैटेजी दी जाएगी। मंथ में एक बार आपसे प्रॉपर आपका जो आपका रूटीन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ देखा जाएगा। स्किल कर रहे हो तो भी आप लोग ले सकते हो, जॉब कर रहे हो तो भी ले सकते हो, बेसिक से कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। जो बच्चे स्किल के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि लेना है वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उनके लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर।